मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के बाद आई आपदा से प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया है। धामी ने इस दौरान कहा कि आपदा से राज्य में जान माल का बहुत नुकसान हुआ है। 29 जगहों पर सड़क संपर्क टूट गया और भूस्खलन भी हुआ है। जिला प्रशासन, NDRF और SDRF, स्थानीय पुलिस और अन्य लोग इस स्थिति से उबरने में हमारी मदद के लिए आगे आए हैं। रुद्रप्रयाग स्थित शेरसी हिमालयन में जनप्रतिनिधियों एवं उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर आपदा राहत कार्यों के संबंध में पूर्व में दिए गए निर्देशों की समीक्षा की है। इस दौरान क्षतिग्रस्त मार्गों एवं पुलों का अद्यतन जानकारी प्राप्त की है और बैठक के दौरान संबंधित अधिकारियों को श्री केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवा को बुधवार से शुरू करने के निर्देश दे दिए हैं। हेली सेवा के माध्यम से दर्शन करने पहुंच रहे श्रद्धालुओं को किराए में 25% की छूट दी जाएगी, जिसका वहन राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। सरकार हर परिस्थिति में आपदा प्रभावित के साथ मजबूती से खड़ी है और अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दे दिया गया है। धामी ने कहा कि हमारी सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि प्रभावितों के लिए पेयजल, खाद्यान्न में कोई कमी ना हो सके और साथ ही उन्हें उपचार आदि की भी पर्याप्त व्यवस्था प्रदान की जाए। उस मार्ग के बारे में आज अभी हमारी बैठक में पूरी तरह से चर्चा हुई है। चौमासी से लेकर जो भैरव मंदिर तक जाता है उस मार्ग को डेवलप करने पर, और भी मैंने कहा है कि जो भी वैकल्पिक मार्ग हो सकते हैं, क्योंकि हर वर्ष हमको इस प्रकार की आपदाओं का सामना करना पड़ता है, हर वर्ष भूस्खलन का सामना करना पड़ता है, तो वैकल्पिक मार्गों पर हम पूरी तरह से जो है उस पर सारे विकल्पों पर विचार देखिए उसकी हम व्यवस्था बनाएंगे कि सारे श्रद्धालु लोगों को जो है आसानी से टिकट भी मिल जाए, और जो हमने कहा है कि राज्य सरकार उसके लिए काम करेगी तो वो काम भी हम करेंगे पूरी तरह से। कैजुअल्टी कितनी है? देखिए कैजुअल्टी का चूंकि अभी एकदम से कुछ लोग, 4-5 लोगों का ऐसा मिसिंग का भी आया है, अभी उनके फोन बज रहे हैं, कुछ लोगों की जो है लोकेशन निकाली जाएगी। नहीं, सारे अधिकारी कैंप कर रहे हैं, ऑलरेडी कैंप कर रहे हैं, और मैं इसीलिए आया हूं यहां पर, और हम लोग लगातार जब तक सामान्य स्थिति नहीं हो जाती लगातार इसी प्रकार से हम लोग समीक्षा भी करेंगे और जहां जहां पर काम चलेगा वहां काम भी देखेंगे।